वेलकम टू हिंट खोज, मैं शिवली बैनर्जी। दोस्तों, अक्सर हमें दूसरों को जानकारी देने की ज़रूरत पड़ती है और कई बार हमें दूसरों से इंफॉर्मेशन यानी जानकारी लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए आप कुछ कॉमन फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे ऐसे ही कुछ कॉमन फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन यानी जानकारी लेने या फिर देने के लिए। चलिए लेसन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेज है, कुड यू टेल मी हाउ टू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे। इसको आप सेंटेंस में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे एयरपोर्ट पहुंचना है। इसका एक दूसरा वर्जन आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, क्या आप बता सकते हैं कि वक्त क्या हुआ है। कुड और कैन दोनों एक ही तरीके से यूज होते हैं। जब आप कुड का यूज कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं। जब किसी स्ट्रेंजर यानी अनजान लोग से बात करते हैं, उनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, तो बेटर है कुड यूज करना। और अगर आप अपने फ्रेंड्स या जानने वालों से बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो वहां यूज कीजिए कैन। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, डू यू नो, क्या आपको मालूम है या फिर क्या आप जानते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू नो दैट लेडी, क्या आप उस महिला को जानते हैं। एक और तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, डू यू नो हाउ मच, क्या आप जानते हैं कि कितना। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। डू यू नो हाउ मच दैट कार कॉस्ट, क्या आपको मालूम है कि उस गाड़ी की कीमत कितनी है। ये दोनों ही आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या आपको पता है। उसके बाद आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ का प्राइस आप पूछ सकते हैं, कहीं जाना है वो भी पूछ सकते हैं, डायरेक्शन पूछ सकते हैं, अब बहुत कुछ पूछ सकते हैं इन दो फ्रेजेस की मदद से। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, डू यू हैपन टू नो, इसका भी मतलब है क्या आपको पता है, बस पूछने का तरीका अलग है, तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। डू यू हैपन टू नो वेयर कैन आई फाइंड एंटिक बुक्स, क्या आपको पता है कि एंटिक बुक्स मुझे कहाँ मिल सकती है। पूछ आप यही रहे हैं कि क्या आपको पता है, लेकिन ये पूछने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, आई'ड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई'ड लाइक टू नो योर नेम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, लेकिन ये एक बहुत ही नाइस वे है पूछने का कि आपका नाम क्या है। इसको आप दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, आई'ड लाइक टू नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस आइडिया, मैं जानना चाहूंगा कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। नेक्स्ट है, आई वॉन्डर इफ यू कुड टेल मी, मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई वॉन्डर इफ यू कुड टेल मी वाई द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड, मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये फ्लाइट कैंसिल क्यों हो गई। इसको आप पूछ सकते हैं व्हाई द फ्लाइट वाज कैंसल्ड, लेकिन वो थोड़ा एब्रप्ट लगता है, बहुत सही तरीका नहीं लगता। अगर आप उसी बात को इस तरीके से पूछते हैं तो आप नेटिव स्पीकर्स के जैसे साउंड भी करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछने का एक बहुत ही नाइस वे है, बहुत ही पोलाइट वे भी। Do you have any idea how to? क्या आपको पता है कि कैसे? Do you have any idea how to use this camera? क्या आपको पता है कि इस कैमरे को कैसे यूज करना है? Our next phrase is, could you find out? क्या आप पता लगा सकते हैं? For example, could you find out when the next flight is? क्या आप पता लगा सकते हैं कि अगली फ्लाइट कब है? आज के लेसन का लास्ट फ्रेज है, आई एम लुकिंग फॉर, मैं खोज रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड स्मार्टफोन, मैं एक अच्छे स्मार्टफोन की खोज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जो फ्रेजेस आज आपने सीखे, ये आपके एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंट खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।